Aono, ecco la vada, team, e i sarucaro, che abbina a di confunita o vedere. नमस्ते। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। इस्लामिक देश के इस फंटर मुल्ला ने अपनी बकलोली से भारत की पेशनी पर बल्ला दिए हैं। मोइजू मुल्ला गर्दी की सीमाएं पार कर चुके हैं और अब खुलकर भारत विरोध का कार्ड खेल रहे हैं। अपने 2.5 महीने के कार्यकाल में उनका हर कदम भारत को टेंशन देने वाला उठा है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले मोइजू ने कह दिया था कि जिस दिन वो पद संभालेंगे उसी दिन से मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना शुरू कर देंगे। हालांकि कई महीने गुजरने के बाद भी वे ऐसा नहीं कर पाए हैं और भारत के 88 सैनिक अभी भी मालदीव में मौजूद हैं, जो वहां के रात और बचाव कार्यों का हिस्सा है। पर मोइजू यहीं तक नहीं रुके। इस मुल्ला ने भारत को चिढ़ाने के लिए अपना पहला दौरा तुर्की और सऊदी अरब अभी रात का किया था। ऐसा करके मोइजू ने उस परिपाटी को तोड़ा जिसके तहत मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करता था, लेकिन मुल्ला मोइजू ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यही नहीं, लक्षद्वीप को लेकर जब मालदीव और भारत के बीच तनाव चल रहा था तभी मोइजू 5 दिन के लिए चीन की यात्रा पर पहुंच गए। चीन से लौटने के बाद भारत को लेकर उनका रवैया और ज्यादा आक्रामक हो गया और भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 15 मार्च की डेडलाइन देते हुए सीधे भारत को चुनौती दी कि किसी देश को मालदीव पर ध्वंस जमाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। हैरानी की बात यही है कि भारत के मैच 88 सैनिकों को मुल्ला मोइजू मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं, जो किसी भी देश को शायद ही हजम होगा। दरअसल मोइजू की धूर्त मुल्ला पॉलिसी के चलते मालदीव ड्रैगन के जबड़े में अपनी गर्दन डाल चुका है। मोइजू भारत विरोध के नाम पर मालदीवियन जनता को चीन के डेट ट्रिप में फंसा रहे हैं, जिसके बाद इस देश की हालत भी पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबूती और लाओस जैसी हो जाएगी। मोइजू के फैसले से कहीं भी नहीं लगता है कि वो मालदीव के विकास पर काम कर रहे हैं। किसी भी देश का विकास तीसरे देश का विरोध करके नहीं होता है, बल्कि इसके लिए सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। मालदीव के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है कि वो भारत से अधिक फायदा उठाए, न कि उसकी खिलाफत में तहमद के असूल भी भूल जाए। भारत मालदीव का सबसे निकटतम पड़ोसी है और अगर यहाँ के मुल्लाओं पर कोई गंभीर आफत आई तो सबसे त्वरित मदद सिर्फ भारत से ही पहुंचेगी। जब तक चीन, तुर्की या पाकिस्तान यहाँ आएंगे, कई मुल्ला हुरों के तबेलों में तशरीफ पटक रहे होंगे, पर इनका खूनी गद्दारी के गटर से आया है और यह मालदीव की अभिशप्त दोगली प्रजाति है, इसलिए अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए हैं। मालदीव में 5 साल के बाद चीन समर्थक सरकार आई है। इससे पहले 2018 से 2023 तक इब्राहिम सोली राष्ट्रपति थे। तब मालदीव और भारत की करीबियां बढ़ी थी। उनसे पहले 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला यामीन की सरकार थी। तब मालदीव और चीन की दोस्ती बढ़ी थी। यामीन की सरकार में ही मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना था। अब मुल्ला मोइजू के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर मालदीव के करीबी चीन से बढ़ने लगी है। मालदीव पर पहले ही चीन का $1.37 करोड़ का कर्ज है, जो मालदीव के कुल कर्ज में 20% हिस्सा है। अभी मालदीव अपनी सारी जरूरतों के लिए भारत पर ही निर्भर है, लेकिन मोइजू इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं। मुल्ला मोइजू ने ऐलान किया है कि अब मालदीव के मरीजों को यूएई और मलेशिया भेजा जाएगा, जबकि अब तक मालदीव के ज्यादातर मरीज भारत ही आते थे, जो उनके सबसे नजदीक होने के साथ उन्हें बेहद सस्ता भी पड़ता था। लेकिन अब मालदीव का यह फैसला काफी खर्चीला हो जाएगा। वहीं अधिक लंबे सफर के चलते कई जाइल बीच रास्ते में ही हुरों के तबेलों पर दस्तक दे सकते हैं। यही नहीं, मोइजू ने भारत से दवा आयात को रद्द करके यूरोप से दवा आयात करने का फैसला किया है। मजे की बात यह है कि भारत दवा निर्यात का बड़ा खिलाड़ी है और यूरोप व पश्चिमी देशों को अधिकांश दवाएं भारत से ही जाती है। अब मोइजू उन्हीं दवाइयों को यूरोप से खरीदेंगे। मालदीव की अर्थव्यवस्था में आज $5 अरब की है, पर मोइजू के निर्णय ऊटपटांग है, जिसमें मालदीव को फायदा कम नुकसान ज्यादा है। मालदीव में भारत के सैनिक रहे या ना रहे, उसे कभी भी भारत से खतरा नहीं है। लेकिन चीन एक विस्तारवादी देश है। तानाशाह शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखा है। चीन की मदद से आज तक किसी देश का विकास नहीं हुआ है।
बल्कि चीन ने जिस देश में पांव रखा उसके हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। पर मालदीव भी जाहिलों का देश है और ड्रैगन जानता है कि इन हंटर लोगों पर कैसे हंटर चलाना है। हंटर भी ऐसे कि इन्हें चोट लगने पर भी गुदगुदी महसूस हो। खासकर इस्लामिक देश ड्रैगन की सबसे पौष्टिक खुराक है। जानकर हैरानी होगी कि चीन और मालदीव के बीच 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, लेकिन 2002 तक दोनों के बीच कोई खास कारोबार नहीं होता था। 2002 में दोनों के बीच मैज $29 लाख का व्यापार हुआ था, जो 2010 में बढ़कर $6,40,00,000 हो गया। पर 2013 में शी जिनपिंग के तानाशाह बनते ही चीन का इंटरेस्ट मालदीव में बढ़ गया। 2019 में यह व्यापार $47 करोड़ तक पहुंच गया। अब मालदीव के मुल्ला मोइजू ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मालदीव चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह फंसने वाला है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमेशा ही चीन को फायदा हुआ है। मालदीव के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो वह चीन को निर्यात कर सके, इसलिए चीन के लिए मालदीव एक खरीदार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी चीन के घटिया सामानों का मालदीव भी एक मंडी बनने वाला है, वह भी तब जबकि चीनी प्रोडक्ट की दुनिया में मांग घट रही है। यूं भी एफटीए से हमेशा ही एक देश को लाभ होता है, यानी जैसा श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हुआ वैसा ही मालदीव के साथ भी होने का खतरा है। 2013 से 2018 तक यामीन की सरकार द्वारा चीन से भारी भरकम कर्ज लिया गया। तब एक वक्त ऐसा आया कि यह तक कहा जाने लगा कि जैसा राजपक्षे ने श्रीलंका के साथ किया था वैसा ही यामीन ने मालदीव के साथ किया है। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल भारी कर्ज में 70% से ज्यादा केले चीन का था। आज के समय भी मालदीव पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का ही है। अब मुल्ला मोइजू भी अपने पूर्व राष्ट्रपति यामीन के पद चिन्हों पर चलकर मालदीव की बर्बादी की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन मुल्ला मोइजू कितनी भी टोपी उछाल ले, मालदीव की काफी जुर्त भारत पर ही टिकी है। मालदीव का बुनियादी ढांचा विकसित करने में भी भारत ने काफी मदद की है। भारत ने वहां अस्पताल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज रोड कॉलेज और जाहिलों के लिए मस्जिद तक बनाई है। यानी इनके निक्कर का नारा तक भारत ने दिया है, तब ये किसी तरह अपना पिछवाड़ा छुपा पाए हैं। 2019-20 से 2023-24 के बीच 5 साल में भारत ने मालदीव को 1,669 करोड़ रुपए की मदद दी है। अब अगले साल भर में 600 करोड़ रुपए की मदद और देगा। पर इस जाहिल कौम का स्वभाव रहा है कि जो इन्हें बचाता है ये उसी की पीठ में खंजर घोंपते हैं, जो इन्हें खाने को देता है उसी थाली में छेद कर देते हैं। फिर भला मालदीव के मुल्लाओं से यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे औरों से कुछ अलग होंगे। गद्दारी, मक्कारी और चालबाजियां इनके रग रग में भरी पड़ी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।